और गोविंदपुर से इस बार जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में परितोष सिंह चुनावी मैदान में हैं। क्षेत्र में बिजली सड़क पानी मुख्य मुद्दे के रूप में सामने आए हैं। ऐसे में इस बार यहां चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। समाचार प्लस के खास कार्यक्रम अबुआराज गांव की सरकार में आपका स्वागत है। अभी मैं गोविंदपुर में हूं, जहां चुनावी मैदान में खड़े हैं डॉक्टर परितोष सिंह, जो तमाम दौरे के बाद में नुक्कड़ नाटक से लेकर के बड़ी सभाओं के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने वोटरों को लुभा रहे हैं कि कैसे उन्हें जीत का माला वोटर पहना है। सर, क्यों आपको जिताए लोग? मैं पिछले 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए, अपने शैक्षणिक कार्यों को करते हुए, सामाजिक क्षेत्र में रुचि के साथ राजनीतिक कार्य करते हुए आज जनता के बीच में आया हूं। मैंने MSc के बाद PhD किया, BEd किया, LLB किया और सामाजिक क्षेत्र में गोविंदपुर से लेकर बारी नगर, राधिका नगर, घोड़ाबाना के में सारे लोगों, सारे जगहों पर हमने अच्छा काम किया है। इसीलिए मैं जनता के बीच में आया हूँ और हम लोग जो मुद्दे लाए हैं वो हमारा संकल्प है, हमारा एक नारा है, आपका अधिकार, आपका अधिकार कि आप अधिकार दीजिए। और हम संकल्प लेते हैं कि हम यह करके दिखाएंगे, यह हमारा संकल्प है। यह संकल्प है जिला परिषद संख्या 5 के सर्वांगीण विकास का संकल्प है। यह संकल्प है गोविंदपुर की टूटी हुई जर्जर सड़कों को बदलने का संकल्प है। यह संकल्प है कि गोविंदपुर में जलापूर्ति योजना में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का संकल्प है। यह संकल्प है कि पूरे क्षेत्र में, चाहे वो बारी नगर हो, राधिका नगर हो, घोड़ा बांधा हो, चाहे गोविंदपुर की गलियां में है, यहाँ कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। यह हमारा संकल्प है कि इस कूड़े को ढेर से निजात दिलाना है। आज हमारी माताएं, बहने, जो हमारी माँ विधवा है वह परेशान है विधवा पेंशन के लिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं वह परेशान है पेंशन के लिए, जो तो मेरा यह कहना है कि वह परेशान क्यों है। उनका जब गांव की सरकार की बात होती है तो गांव की सरकार गांव में होनी चाहिए। तो इसीलिए यह जिला परिषद संख्या जो 5 है, यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस दयनीय स्थिति को हटाने के लिए हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प में समाज सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी वर्ग का समर्थन हासिल है। आज हम लोगों ने एक जनसभा, समस्याएं जो यहाँ विद्यमान है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ की कुव्यवस्था है। आप 10 वर्षों से यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, इसके जिम्मेदार तो वह जनता जानती है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर आप देखिएगा कि 237 करोड़ रुपया का गोविंदपुर जलापूर्ति योजना लागू हुआ था, उसमें से ठेकेदार 200 करोड़ रुपया लेके चला गया, मगर आज यहाँ पर चूत से चा नहीं हुआ है। जो सड़क बनी थी 1,20,00,000 रुपया में सड़क बनी थी गोविंदपुर डिस्पेंसरी मोड़ से लेकर राम मंदिर तक, वह जर्जर अवस्था में है, चूत से चा कोई नहीं बोल रहा है, कूड़े का ढेर है। तो समस्या में सारे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि बने थे वो लोग हैं। हम लोग जनता के पास आए हैं कि आप अगर अपना अधिकार हमें देते हैं, वह अधिकार आपका एक मत है, अगर आप अपना कैमरा छाप पर अपना अधिकार देते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि इन सब चीजों के लिए संघर्षरत रहेंगे, इन सब चीजों के लिए आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र के नवनिर्माण के लिए हम लोग संकल्पित। प्रत्याशी है आप, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार है, क्या पढ़े लिखे होने का फायदा आपको मिलेगा? जरूर, जनता को तो देखना चाहिए कि कौन उनकी आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने की क्षमता रखता है।
यह जनता समझदार है, वह देख रही है। आज यहाँ पर हम लोगों ने महासम्मेलन किया था जिसमें से 800,000 लोग उपस्थित हुए थे। अगर अपने घर का ही वो वोट दिलवाते हैं तो यहाँ जीत होती है। एक पिछले बार जो भी यहाँ जीत था वो 3500 के करीब था। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जनता अपना आशीर्वाद दे। अगर हम लोग शिक्षित होकर अगर आए हैं जनता के बीच में तो कुछ उम्मीद से आए हैं कि कुछ करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जरूर जो सपना हम लोगों ने देखा है, जो हमारे युवा साथियों ने देखा है, जो हमारे भाइयों ने देखा है, माताओं ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपना जी जान लगाएंगे। क्या दिल में पीड़ा थी कि आप चुनावी मैदान में आ गए? दिल में पीड़ा कुछ नहीं है, दिल में पीड़ा समाज सेवा करने की है और समाज के लिए समर्पित रहने की है। हर एक लोग आते हैं, यह मनुष्य में योनि में जन्म मिलता है, मानव योनि में हर एक लोगों की एक क्षमता होती है कि कुछ करें। वही एक है कि हमको कुछ करना है समाज के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, जो माता पिता हमको यहाँ तक लाए हैं उनका नाम को रोशन करना है। प्रत्याशी है, जात पात की लड़ाई भी पंचायती चुनाव में देखा जाता है, ऐसे में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ देखें, अभी एक महासम्मेलन हो रहा था जिसमें हर एक जाति के हर एक धर्म के लोग सम्मिलित हुए थे। अगर आज के दिन में अब वो जनता नहीं रही, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि जात और पात एक शादी विवाह के लिए काम आता है। शादी विवाह में जात पात देखा जाता है, विकास के लिए कोई जात पात नहीं होता है। यह कुछ लोग होते हैं जो समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। यह गोविंदपुर की जनता, जिला परिषद संख्या 5 की जनता यह चीज समझ गई है कि इस बार विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जात के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। मेरा एक सिर्फ और सिर्फ यही है कि विकास के नाम पर जनता हमें वोट दे। मैं जरूर उस का जो उनका जो सपना है उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। प्रचार के दौरान डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग आपके, क्योंकि आप युवा हैं? मैं पिछले 30 दिनों से, मैंने जब घोषणा हुई तो 15 दिन हम लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से गोविंदपुर, राधिका नगर, बारी नगर और घोड़ा बांधा के लगभग 7,000 घरों में हम गए डोर टू डोर। वहाँ पर माताओं का सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मातृशक्ति का, जो वह समझ रही है कि एक पढ़े लिखे लड़का को वोट देना चाहिए। और बदलाव में जब आधी आबादी को उसका हक की बात होगी तो वह जरूर हमारे साथ रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद हमने जन संकल्प यात्रा निकाला। मैंने हर एक घर में मैं 2 बार गया हूँ, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है। मैं जनता से यही अपील करूंगा, अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों से, युवाओं से यही अपील करूंगा कि जो विकास की बात करेगा उसी को वोट दीजिएगा। अभी तक कोई भी प्रत्याशी ने अपना काम क्या करेंगे अगर जीत जाते हैं तो? सबसे पहला काम जो गोविंदपुर और आसपास के क्षेत्र में कूड़ा निस्तारीकरण की समस्या है, कूड़ा का अंबार लगा है, पहला काम रहेगा। मैंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कूड़ा निस्तारीकरण। मल्टीनेशनल कंपनियां 5-5 बगल में है, क्या उनका कोई सामाजिक दायित्व तो नहीं है? हम कूड़े की ढेर पे बैठे रहे, मेरा पहला काम रहेगा कूड़े की साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था करवाना। हमारे साथ डॉक्टर परितोष तो जो बता रहे थे कि स्वच्छ रहना सबकी जिम्मेदारी बनती है और समाज में स्वच्छता बहुत जरूरी है, तो कूड़ा कचरा को लेकर के पहला काम करेंगे। मगर देखा यह जाता है कि लोग वादा कर लेते हैं नेता और फिर भूल जाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। पिछले 10 वर्षों से मैं गोविंदपुर के सामाजिक क्षेत्रों में हूँ, सैकड़ों बार यहाँ के कूड़ा करकट को हटवाया है अपने स्तर पर। जनता को विश्वास करना होगा, घरी डिटर्जेंट पाउडर का ऐड आता है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो मैं बताता रहूं कि हम लोगों तो समाज में इस्तेमाल हुआ है, अब जनता से मेरा उम्मीद है कि आप विश्वास कीजिए, मुझे एक बार मौका दीजिए। आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है आपके विकास के लिए, गोविंदपुर के विकास के लिए, बारी नगर, घोड़ा बांधा और राधिका नगर के विकास के लिए। लग रहा है कि लोग आपको मौका देंगे इस बार? जरूर, मुझे पूरा यह आश्वस्त हूँ कि इस बार जनता मुझे मौका देगी। और मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी जिस उत्साह के साथ हमारे लोग घरों में जा रहे हैं, अगर जीत होती है, जीत के बाद हम लोग इससे दुगुना उत्साह में उनकी समस्याओं को समाधान के लिए उनके घरों में जाएंगे और निसंदेह उसके समस्या का समाधान करेंगे। जाहिर सी बात है, जो बुजुर्गों का जोश होता है, युवाओं का जो जोश होता है, उस बीच में ये युवा है और युवा पूरी जोश के साथ काम करने का दम भरते हैं। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे गाँव में, किसी दूसरे प्रखंड में। नमस्कार।